वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, और स्वागत करता हूं आपके इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी वेबसाइट जहां पे आप 59 मिनट्स में लोन का प्रिंसिपल अप्रूवल पा सकते हैं दोस्तों। तो ये प्योरली गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें आपको 59 मिनट्स में आपके लोन प्रिंसिपल अमाउंट को अप्रूवल की गारंटी ये लोग देते हैं गवर्नमेंट। इस वेबसाइट का टाइप सारी गवर्नमेंट बैंक से है। आपको कुछ मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन लगा के इसको सबमिट करना होता है, अप्रूवल आपके मेल पे आता है, उसके बाद आपको बैंक से कांटेक्ट करने होते हैं, आपकी जो भी बैंक है। बैंक की कुछ प्रोसेस होने के बाद आपका लोन डिसबर्स हो जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक आपने, हाँ एक मिनट, तो दोस्तों अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आप पाते हैं इनकम टैक्स, GST, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अलोंग विद द बिजनेस डिटेल, बिजनेस से रिलेटेड लोन, सिक्योर अनसिक्योर लोन और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो वेबसाइट है 59minutes.com, सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, psblonsin59minutes.com पे जाना है जो कि यहाँ पे लिखा है। गूगल में टाइप करेंगे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट में क्या फैसिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ये वेबसाइट डायरेक्ट गवर्नमेंट की सारी बैंकों से लिंक्ड है। आप यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, डायरेक्ट बैंक के पोर्टल में जाएंगे और बैंक को मैंडेटरी है कि उसको या तो अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा या आपसे कॉन्टैक्ट करके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, राइट। तब तक आपको बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो ये ऑटो अप्रूवल प्रोसेस है बट इस प्रोसेस में बैंक जाना ही पड़ता है एट द लास्ट मोमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं MSME की लोन के लिए। MSME से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स है इसमें सारी स्कीम में आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो CGT में स्कीम हो, चाहे गवर्नमेंट की स्मॉल सेक्टर की स्कीम हो या MSME की, सारी स्कीम में यहाँ से आप कर सकते हैं। मुद्रा लोन अप टू 10 लाख के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, होम लोन के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल लोन आपको चाहिए तो यहाँ से हो सकता है, ऑटो लोन आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 21 पार्टनर्स बैंक इनके हैं, अभी तक इन्होंने 60,000 लोन डिसबर्स कर चुके हैं। आगे हम आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता देते हैं कि कैसे इसके डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको लगेगा। जैसे कि मैं आपको बताया कि MSME की एक स्कीम है जिसको बोलते हैं CGTMSE स्कीम, विदाउट कॉलेक्टरली स्कीम है। स्कीम में भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और मुद्रा लोन का जो मैंने बताया अप टू 10 लाख आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अभी बात करते हैं एक एक लोन की, राइट। यदि आप लोन फॉर बिजनेस यूनिट, यदि आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करते हैं अप टू 10 लाख की लिमिट है तो कुछ डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे ऑनलाइन। जो डॉक्यूमेंट इस प्रकार है, GST मतलब GST सर्टिफिकेट, GST नंबर आपके पास होना चाहिए, GST के सेल्स 12 महीने का आपके पास होना चाहिए, लेटेस्ट 12 महीने का सेल्स आपके पास होना चाहिए, सेल्स जो आपके GSTR 1 में जाता है वो सेल्स आपके पास होना चाहिए, GST सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल मतलब आपके लेटेस्ट इनकम टैक्स लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 19-20 का आपके पास जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, यदि आप अभी अप्लाई कर रहे हैं या आप 2021 की बात करेंगे तो जो भी लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न होगा उसकी XML की फाइल आपके पास होना चाहिए, वो वहाँ पे डालना पड़ता है। साथ में आपको इनकम टैक्स का ITR फॉर्म 5 जो डिटेल फॉर्म होता है और ITR का एक्नॉलेजमेंट आपके पास होना चाहिए, लेटेस्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होगा जो आपके रेगुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन जिसमें होते हैं, जो करेंट अकाउंट का होगा। डायरेक्टर की डिटेल आपको देनी पड़ेगी, डायरेक्टर हो, पार्टनर हो या प्रोप्राइटर हो, तो आपको उनकी इंडिविजुअल डिटेल मतलब KYC, आधार, पैन, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल आपको डालनी होगी। मोर डिटेल पे हम जाते हैं तो और हमको क्या मिलता है हम देखते हैं कि आपको 59 में यदि अप टू 10 लाख मुद्रा में डालना तो पहले GST आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको डालना होगा, पहला टैब। दूसरा आपको XML पे लेटेस्ट रिटर्न डालना पड़ेगा, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको PDF में अपलोड करना पड़ेगा, प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर की जो डिटेल है KYC डिटेल, आधार, पैन और पर्सनल डिटेल आपको डालना होगा, उसके बाद आपका 59 मिनट में अप्रूवल आ जाएगा। तो और आपकी बैंक वही सेलेक्ट करिएगा जिस बैंक में आपका अकाउंट है, राइट। तो आपको ईजिली वो लोन प्रोसेस हो
हो जाएगा। तो ये है मुद्रा से रिलेटेड चीज़ें। अब कुछ सिंपली चीज़ें जो हेल्पफुल होती है, देखिए नो कलेक्टर नो सिक्योरिटी, मतलब ये पूरा अनसिक्योर्ड लोन है विदाउट कलेक्टर, वेरी लो प्रोसेसिंग फीस, इसमें आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, नो मिनिमम लोन अमाउंट, आप मिनिमम कितने भी ले सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी 10 ईयर विद एन अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट 8.5 से स्टार्ट है, आपकी बार्गेनिंग पावर के ऊपर है, बाद में अप्रूवल के बाद आप कितना इसको इससे बढ़ने से रोक सकते हैं, आपका 10 ईयर फ्लेक्सिबिलिटी है, जिस हिसाब से आपको चाहिए वैसा ले सकते हैं। बहुत न्यू एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस आर एलिजिबल टू गेट मुद्रा लोन, मतलब आपको यदि पुराना बिजनेस है नया बिजनेस दोनों के लिए मुद्रा मिल सकता है। हाँ एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यदि ये वुमेन अप्लाई करती है तो इसमें इंटरेस्ट रेट की सब्सिडी मिलती है जो अप्रॉक्सीमेट 25% होती है इसके टोटल परसेंटेज के। तो आप यदि फीमेल आपके इसमें है, पार्टनरशिप में एक फीमेल है या कंपनी में एक फीमेल डायरेक्टर है, इंडिविजुअल में फीमेल है, तो आपको ये इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये होता है मुद्रा, सिंपली मुद्रा के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको चाहे मुद्रा के लिए आप लोन करें या आप होम लोन करें या पर्सनल लोन करें या आप MSME की कोई स्कीम के लिए यहाँ से लॉगिन करें लोन के लिए अप्लाई करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपना लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। लॉगिन क्रिएट करने के बाद आप जैसे होम पे जाएंगे तो आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि आपको MSME में जाना है, मुद्रा में जाना है, होम लोन पे जाना है, पर्सनल में। फॉर एग्जांपल मैं MSME में क्लिक करता हूँ, मुझे MSME में जाना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई का ऑप्शन आता है कि भैया अप्लाई नाउ, लेकिन डिटेल आपको बना के पहले ही रखनी होगी। डिटेल इस प्रकार है, ये सारी डिटेल आपको लगेगी, GST आइडेंटिफिकेशन लगेगा, सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स XML लेटेस्ट, बैंक स्टेटमेंट लेटेस्ट 6 मंथ का, और ओनर पार्टनर प्रोप्राइटर की डिटेल, राइट। अब जैसे मैं CGT में इस स्कीम के बारे में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि CGT में एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको अप टू 2 करोड़ तक का वहाँ पर प्रावधान है, 2 करोड़ तक विदाउट कोलेक्टरल आपको वो लोन दे सकती है बैंक, डिपेंड अपॉन आपके फाइनेंशियल पे, डिपेंड अपॉन आपके बैंक स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। मिनिमम जो MSME लोन की स्कीम है वो 1 लाख टू 5 करोड़ तक अलग अलग स्कीम पे है, आपको अलग अलग स्कीम पे अलग अलग लोन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप MSME के सारे लोन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने CGTMS का आपको एग्जांपल आपको मैंने बताया, राइट। अब CGTMS स्कीम में आपको जो लोन मिलेगा जिसमें टर्म लोन भी रहेगा और वर्किंग कैपिटल के लिए भी लोन रहेगा जो CCOD में रहेगा, टर्म लोन जो रहेगा जिसमें मंथली इंस्टॉलमेंट होगी। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको यहाँ पे पहले अपना लॉगिन बनाना है और ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी टू मूव रखना है। अब ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको मेल आ जाएगा कि किस बैंक में उन्होंने आपके लिए, आप जो बैंक सेलेक्ट आप करेंगे जिस बैंक में भी आपका खाता है उस बैंक में जाएगा, वो चेक करेंगे और आपको मेल पे अप्रूवल देंगे। फाइनल अप्रूवल के समय आपको बैंक जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो वेबसाइट है बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आपके लिए, जो SIDBI की वेबसाइट है 59 मिनट्स में जो आपको लोन अप्रूवल की बात करती है। यहाँ पे सभी चीज़ें, आप होम पे जाएंगे तो आपको सारे लोन की डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वॉच वीडियो भी कर सकते हैं, नॉलेज हब भी है, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, लोन के प्रोडक्ट है आपके पास MSME का, मैंने प्रोडक्ट के बारे में आपको पहले बताया, सारे प्रकार के प्रोडक्ट है। और ये प्योरली आप समझ लीजिए कि इनमें कुछ बड़ी प्राइवेट बैंक है और मैक्सिमम नेशनलाइज बैंक में, तो आप जब इस स्कीम में कोई भी स्कीम MSME हो या मुद्रा लोन हो इसमें आप अप्लाई करते हैं तो आप बैंक अकाउंट वही डालना, जिस बैंक आप वही सेलेक्ट करना जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जहाँ पे आपके अच्छे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वो बैंक आपको इजीली प्रेफर करेगी और क्या होगा आपको वो इजीली लोन दे देगी, क्योंकि वो बैंक से आपके रिलेशंस अच्छे हैं। आप कोई नया बैंक सेलेक्ट नहीं करिएगा, यदि आप नया बैंक सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है वो बैंक आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी, पुरानी ही बैंक आप पे ट्रस्ट करेगी। अब यहाँ पे एक ओवरलुक अपन देख देते हैं, होम लोन आपको 10 करोड़ तक यहाँ से मिल सकता है, बेसिक डिटेल है, इनकम टैक्स के रिटर्न, 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट और पर्सनल डिटेल और लैंड की डिटेल, ये होम लोन हो गया। पर्सनल लोन के लिए आपको इनकम टैक्स का रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट लेटेस्ट 6 मंथ और पर्सनल डिटेल, मतलब आपकी KYC। तो 20 लाख तक का पर्सनल लोन मिल सकता है, 10 करोड़ तक का होम लोन मिल सकता है, ऑटो या कार लोन 1 करोड़ तक मिल सकता है, उसमें भी सेम है, इनकम टैक्स, बैंक स्टेटमेंट और पर्सनल डिटेल। तो ये बहुत ही यूज़फुल आपको ये वेबसाइट होने वाली है दोस्तों। तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप इजीली घर बैठे बैठे बैंक के चक्कर काटे बिना आप सारे टाइप के लोन, आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट के लोन, आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट के लोन, आपके स्टार्टअप का लोन, आपका कार लोन, यहीं से एक ही वेबसाइट से आप सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करिए और कीप स्माइल एंड ऑलवेज बी हैप्पी।